Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let's start. Chapter 1, History of Computers. Toggle, hey Google, what do you remember about computers? तुम्हें कंप्यूटर्स के बारे में क्या याद है? Google, well, a computer is a machine that accepts that process it as per a set of instructions and display an output. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है? ये सबसे पहले डेटा को कंप्यूटर में एंटर करवाया जाता है. इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर्स, देन प्रोसेस होता है एज पर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. देन उसके बाद जो उस डेटा का जो इनपुट है, जो आउटपुट है, वो आपके डिस्प्ले होता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? टोगल, नॉट बैड. गूगल, डू यू नो हाउ कंप्यूटर्स वर डेवलप? गूगल, तुम्हें पता है कि कंप्यूटर्स कैसे डेवलप हुए थे? गूगल, नो टोगल. टोगल, वेल, कंप्यूटर्स एज यू नो देम टूडे वर नॉट ऑलवेज लाइक दिस. जैसे कि आज तुम कंप्यूटर्स देख रहे हो जिनके बारे में तुम जानते हो, क्या ये पहले ऐसे नहीं थे? Really? Toggle. Yes, computers have passed through a number of stages to reach their current form. आज के टाइम में जो हम लोग अपने घरों में जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये जब ये स्टार्टिंग में जब ये इन्वेंटेड किए गए थे, तब इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंस था और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी. तो इसको हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स में कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आया. दैट इज टॉपिक नेम इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? लेट मी बिगिन द स्टोरी विद द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. तो सबसे पहले हम लोग उस कहानी के बारे में जानते हैं जिनका नाम क्या है, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. ह्यूमन बींग्स हैव फेल्ट द नीड फॉर कैलकुलेशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम. However, early calculating devices were quite different from the modern ones. Here is a brief history of these devices. Human beings को बहुत पहले भी, जब ये early time की बात है, कि उस time पे भी calculations करने के लिए बहुत problems होता था. तो आज के time में हम लोग जो calculator use करते हैं, ठीक है, पर उस जमाने में अर्ली टाइम्स ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आता था, ठीक है? तो उस जमाने में क्या लोग यूज करते थे, उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानते हैं. सबसे पहले जो आता है, डेट इज अबेकस. अबेकस, द अबेकस इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ऐसा माना जाता है कि अबेकस सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस है. द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू अबेकस डेट्स फ्रॉम 2700 to 300 BC इन द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. तो सबसे पहले आप लोग ये अबेकस की पिक्चर देखिए. ये देखिए अबेकस, आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटे बच्चे इसे इसके साथ लर्न करते हैं, इसके साथ प्लेइंग भी करते हैं, ठीक है? तो आपने ये देखा होगा, अबेकस सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस था. तो ये अबेकस उस टाइम पे, ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ये एक फॉरेन सभ्यता थी, ठीक है? तो ये 2700 से लेके 300 BC, ये उस टाइम से यूज होता आ रहा है अबेकस. सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग द अबेकस. तो हम लोग अबेकस में हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग इसमें करते हैं. इट इज स्टिल इन यूज इन मैनी कंट्रीज. ये अभी भी कई कंट्रीज में यूज हो रहा है, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. जैसे कि एशिया एंड अफ्रीका के कंट्रीज में आज भी यूज हो रहा है. द अबेकस इज यूज टू
टीच स्कूल चिल्ड्रन अबाउट प्लेस वैल्यूज इन द नंबरिंग सिस्टम. आपने छोटे होते वो चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में नंबर सिस्टम, उसमें आपने प्लेस वैल्यू आपने सीखा होगा. तो अबैकस का यूज हम लोग जो है बच्चों को नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू बताने में भी करते हैं. एंड ऑल्सो फॉर टीचिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन टू ब्लाइंड स्टूडेंट्स. तो अबैकस का यूज हम लोग जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनको अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखाने के लिए भी अबैकस का यूज करते हैं. ठीक है. हाउ अबाउट दैट सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर अबैकस वर डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड रशिया. ठीक है. Learning calculations using the abacus is believed to improve concentration and memorization skill. ऐसा माना जाता है कि abacus का यूज करने से concentration और हमारी जो memorization skill है वो improve होता है. तो second one जो है that is a Napier's bonds. Napier bonds in 1616 Sir John Napier made a calculating device. तो सर जॉन जो कि एक स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था एंड कॉल्ड इट नेपियर बॉन्स. इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये बेसिकली बनाया गया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. द डिवाइस वाज सो नेम्ड बिकॉज इट हैड नंबर्स कार्व्ड ऑन बोन्स और ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड. पहले तो आप इसकी इमेज देखिए. ठीक है. तो आप इमेज में ये देखेंगे कि ये जो है स्ट्रिप्स, ये जो है वुडन के ऊपर इनको कार्ब्ड किया गया है और इनको अरेंज किया गया है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने लिया है 7 का टेबल. तो इनका डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा, 7 वाज द 7, 7 टू द 14. तो यहाँ पे 14 को कैसा रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल. आप देखिए 1 ऊपर है 4 नीचे है डायगोनली. ठीक है. 7 थ्री सर 21, 2 ऊपर 1 नीचे, 7 फोर सर 28. तो सारा ऐसे बाकी के टेबल्स भी ऐसे ही प्रिपेयर किए गए हैं, स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं वुडन के ऊपर. ठीक है. तो ये रहा आपका नेपियर बॉन्स कैलकुलेटिंग डिवाइस. आगे क्या है, पास्कलिन. द पास्कलिन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड इट वाज इन्वर्टेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1641. तो पास्कलिन को किसने तैयार किया था, पास्कलिन ने, ब्लेज पास्कल ने 1641. तो आप इसकी पहले इमेज देखिए, ये रहा. तो लुकिंग वाइज ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह है. ठीक है. और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं मूवेबल व्हील्स होते हैं, इन्हीं मूवेबल व्हील्स को ही हम लोग, इनके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं. और ये जो व्हाइट थोड़ा बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इनके जो आउटपुट होती है वो शो होती है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 मूवेबल व्हील्स. इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर अप टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. तो यहाँ पर हम लोग पास्कलिन मैकेनिकल कैलकुलेटर पे हम लोग हंड्रेड से लेके थाउजेंड तक की मल्टी कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो आप देख लीजिए, ये रहा उसकी इमेज, पास्कलिन मैकेनिकल कैलकुलेटर. आगे जो है डेट इज डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन इन द 19th सेंचुरी चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. तो चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था. इट वाज कॉल्ड द डिफरेंस इंजन, जिसको हम लोग डिफरेंस इंजन भी जानते हैं. यह देखिए उसकी इमेज. तो आप देख लीजिए ये साइज में कितना बॉडी स्ट्रक्चर का कितना बड़ा था और इनको रखने के लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ती थी. ठीक है. आगे क्या है, एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज आल्सो इन्वर्टेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन. ये सबसे पहले चार्ल्स बैबेज का
फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसे हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं. द एनालिटिकल इंजन हैड द सेम बेसिक एलिमेंट एज मॉडर्न कंप्यूटर्स इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस. इसमें सेम वही एलिमेंट यूज किए गए थे जो कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में जैसे कि इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस को यूज किया गया है. सो इसीलिए तो चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. तो आप ये देखिए एनालिटिकल इंजन की इमेज, ये देखिए ऐसा होता था देखने में. ठीक है बेटा, आज के लिए है बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज पार्ट बी. थैंक यू सो मच. ओके देन, बाय.